हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी केले की सब्जी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हम 3 से 4 बड़े चम्मच के जितना सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया, 1 चम्मच जीरा और 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च को हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और हमें प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। ध्यान रखें, हमें इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। जैसे प्याज हल्का सा सॉफ्ट होगा, हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये केले हैं, ये छोटे साइज के केले थे। केले को हमने छील करके उसे 20 से 2 टुकड़े में कट करके डाला हुआ है। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेज करके भी डाल सकते हैं, बट ये इस तरह से देखने में बहुत अच्छा लगता है। मिला देंगे हम इसे अच्छे से, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए। केले की सब्जी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए, अभी 7 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं जो केले हैं वो अच्छे से भुन गए हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जिससे कि सब्जी का कलर अच्छा आएगा। ये देखिए, सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब केले अच्छे से पक जाते हैं लगभग 80%, तभी आप इसमें मसाले डालें, इससे ये बहुत अच्छी बनती है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा आमचूर का पाउडर डालेंगे जो कि इसे अच्छी सी खटास देगा। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, बट उससे सब्जी थोड़ी सी गीली गीली सी हो जाती है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप आमचूर का पाउडर ही डालिएगा। फिर से हमने इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाया हुआ है। सारे मसाले केले की में बहुत अच्छे से आ गए हैं और ऊपर से हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये लीजिए, हमारी बहुत ही स्वादिष्ट एकदम लाजवाब केले की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं, या आप चाहें तो इसे साइड डिश के रूप में दाल के साथ भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।